हाई एवरीवान आजके आमी क्लास 10 एर लाइफ साइंसेर फिफ्थ चैप्टारेर नाइट्रोजेन स्थितीकरण बा संबंधन बा नाइट्रोजेन फिक्सेशन और नाइट्रोजेन मोचन बा डिनाइट्रिफिकेशनेर मध्य पार्थक्य निये आलोचना करछि। नम्बर 1 पद्धति। नाइट्रोजेन स्थितीकरण बा संबंधन पद्धतिते वायुर मुक्त नाइट्रोजेन माटिते नाइट्रोजेन घटित यौग रूपे आबद्ध हय। नाइट्रोजेन मोचन पद्धतिते मृत्तिकास्थित नाइट्राइट बा NO2 ओ नाइट्रेट बा NO3 ए यौगगुली विश्लिष्ट होए गैसीय नाइट्रोजेने परिणत हय ओ वायुमंडले मुक्त हय। अर्थात नाइट्रोजेन स्थितीकरणे वायुमंडलेर मुक्त नाइट्रोजेन माटिते नाइट्रोजेन घटित यौग रूपे आबद्ध हय, किन्तु नाइट्रोजेन मोचने माटिते नाइट्रोजेन घटित यौग पुनराय नाइट्रोजेने परिणत हुए वायुमंडले मुक्त हय। नम्बर 2 नाइट्रोजेनेर घाटति। नाइट्रोजेन संबंधन बा स्थितीकरण प्रक्रियाय वायुमंडलेर नाइट्रोजेन माटिते आबद्ध हय, फले बातासेर नाइट्रोजेनेर घाटति हय, किन्तु नाइट्रोजेन मोचन प्रक्रियाय माटिते आबद्ध नाइट्रोजेन वायुमंडले मुक्त हय, फले माटिर नाइट्रोजेनेर घाटति हय। नम्बर 3 मृत्तिकार ओपर प्रभाव। नाइट्रोजेन स्थितीकरण बा संबंधन प्रक्रियाय वायुमंडलेर नाइट्रोजेन माटिते आबद्ध हवार फले माटिर नाइट्रोजेनेर परिमाण बृद्धि पाय, फले उर्वरता शक्ति बृद्धि घटे। नाइट्रोजेन मोचन प्रक्रियाय माटिते आबद्ध नाइट्रोजेन पुनराय वायुमंडले मुक्त हय, फले माटिर नाइट्रोजेनेर परिमाण ह्रास पावाय उर्वरता शक्ति कमे जाय। नम्बर 4 अंशग्रहणकारी उपादान। नाइट्रोजेन संबंधन बा स्थितीकरणे अंशग्रहणकारी उपादानगुली हलो सायानोबैक्टेरिया, मिथोजीवी और स्वाधीनजीवी बैक्टेरिया, विद्युत स्फुरन प्रभृति। अर्थात ये सकल उपादानगुली वायुमंडलेर नाइट्रोजेन के माटिते आबद्ध करे। नाइट्रोजेन मोचने अंशग्रहणकारी उपादानगुली हलो थिओबैसिलास, सिउडोमोनास प्रभृति डिनाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया। अर्थात ये सब उपादानगुली माटिर आबद्ध नाइट्रोजेन के पुनराय वायुमंडले मुक्त करे। भिडियोटी यदि तुम्हादेर भालो लेगे थाके ताहले लाइक, कमेंट এবং সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।